वीडियो में देखे ना नॉट वेरी हैप्पी अभी डाउनलोड करें टाक ऐप मैं चोटन से आया था अच्छा। और हम जा रहे थे वापिस हाँ। पेट्रोल मिलना नहीं क्या रहे अच्छा क्या हुआ यहाँ क्या हुआ यहाँ स्ट्राइक है क्या पेट्रोल बंद है तो इस पंप के ऊपर भी जो बंदा पूरी टैंक फुल करवा के 300 लीटर भरवाता था आज वो केवल 50 लीटर भरवाता है कि मुझे आ, बॉर्डर जो है वो राजस्थान का क्रॉस करना है मैं डीजल वहां से भरवाऊंगा तीन एसोसिएशन की ओर से स्ट्राइक का आह्वान किया गया है जिसके चलते राजस्थान के ऐसा बताया चार हजार तीन सौ पेट्रोल पंप है वो पूरी तरीके से बंद है लोग कस्टमर्स यहाँ आ रहे हैं खाली हाथ जा रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल पंप बंद है ऐसा बताया जा रहा है कि वेट को लेकर पेट्रोल जो एसोसिएशन है वो नाराज है सरकार से राज्य सरकार से क्योंकि जो राजस्थान से लगती सीमा चाहे हरियाणा हो या गुजरात हो या यूपी हो उसके मुकाबले राजस्थान में वेट ज्यादा है जिसके चलते यहाँ पर जो बॉर्डर के इलाकों के पेट्रोल पंप है वो भारी नुकसान है और वहां पर आवाजाही बहुत ही कम हो गई है आ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले तो वो तस्वीरें बताएं कि किस तरीके से आज पेट्रोल पंप का नजारा है देखिए ये गाड़ियां आई है लेकिन कोई पेट्रोल या डीजल कोई नहीं भर रहा है अब हम जो यहाँ लोग आए हैं पेट्रोल और डीजल भरने के लिए उनसे बातचीत करके कोशिश करते हैं कि आप लोग वही साहब कहां से आए हम घोड़ा सर से आए सर अच्छा क्या हुआ क्या हुआ यहाँ स्ट्राइक है क्या पेट्रोल बंद है तो आपको पहले जानकारी नहीं थी हम तो गाँव में पता नहीं था ना अच्छा कितने दूर से आए आप हमारा हो गया पचास एक किलोमीटर है मतलब ये पचास किलोमीटर दूर से आए आप भाई साहब किस लिए आए थे यहाँ पर यहाँ हमारा चल रहा है साइड पे आया था गाड़ी हाँ। में पेट्रोल खत्म हो गया अच्छा क्या बोल रहे हैं ये ये आज की हड़ताल हम नहीं बनेंगे मतलब ये स्ट्राइक के चलते आप बताइए सर से से आए आए थे आप लोग हम आज हमारे दो पेट्रोल पंप गए वहाँ पर बंद था यहीं पर आए बंद है पेट्रोल अब ये कहाँ से आए मैं आया था अच्छा। और हम जा रहे थे पेट्रोल मिल रहे मतलब ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं शायद उनको जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल आज नहीं मिल रहे हैं जो बार में पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उनसे जो बात करके कोशिश सर सबसे पहले तो ये बताइए आज किस सिलसिले में बंद रखा गया है आज बंद करने का जो कारण है हमने सरकार को पहले भी बताया था कि पेट्रोल डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो वेट है वो बॉर्डर के जो राज्य हैं उन सब में जो अपने राजस्थान का जो टैक्स है वो ज़्यादा है उसको लगातार सरकार से बात कर रहे हैं कि इसको उनके समानांतर बराबर किया जाए लेकिन उसके बावजूद भी सरकार वार्ता एक केवल औपचारिकता से कर रही है और उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रही है हमने सरकार को पहले से भी बता दिया था कि तेईस तारीख को हम पूरे राजस्थान के पेट्रोल पंप बंद करेंगे अगर आप इसके ऊपर निर्णय नहीं लेते हैं तो वैसे ही पंप हमारे बंद पड़े हैं बॉर्डर के पंप जो रोज का कम से कम 20 केल 30 केल 40 केल तक रोज का बेचते थे बीस हज़ार लीटर डेली बेचते थे आज उनका सेल 2000 लीटर भी नहीं है अब ये जो 2000 लीटर नहीं ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं पूरा नहीं बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी तो सरकार को नुकसान हो रहा है सरकार को बकायदा हमने एनालिसिस करके बताया है कि टोटल जो लॉस है वो राज्य सरकार को ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सारी की सारी बिक्री है वो लोग डीजल गुजरात में जाकर भरवाते हैं राजस्थान में तो अपना बाड़मेर से जब गाड़ी यहाँ से रवाना होती है तो इस पंप के ऊपर भी जो बंदा पूरी टैंक फुल करवा के तीन लीटर भरवाता था आज वो केवल पचास लीटर भरवाता है कि मुझे बॉर्डर जो है वो राजस्थान का क्रॉस करना है मैं डीजल वहाँ से भरवाऊँगा वहाँ सवा तीन रुपये लीटर सस्ता है सवा तीन रुपये लीटर वहाँ सस्ता है तो उसको कितना फर्क पड़ता है और कुल मिलाकर मोटर लाइन में डीजल की रेट है वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है बाकी गाड़ी वाले को बचता कहाँ है अच्छा सर एक चीज़ बताइए अब अगर सरकार नहीं मांगती है तो फिर आप लोग फिर आगे क्या प्लानिंग करेंगे सरकार अगर नहीं मानती है तो हम अनलिमिटेड स्ट्राइक करेंगे